सिविल राइट्स मूवमेंट के अंदर हम देखेंगे फोकस इसका क्या था, बैकग्राउंड क्या था और मेजर इवेंट्स क्या थे। इसका फोकस था कि जो एजुकेशन के अंदर सेग्रीगेशन है ना ब्लैक्स की, वो खत्म हो, फिर सोशल लेवल पे सेग्रीगेशन खत्म हो, फिर वोटिंग राइट्स मिले ब्लैक्स को। मतलब वोटिंग राइट तो एक किस्म का मिल ही गया था, लेकिन वो नॉन इंग्लिश स्पीकर को नहीं था, और दूसरा ब्लैक वुमेन जो है उनको भी नहीं मिला था। 19th अमेंडमेंट में दूसरी को मिल गया था, ब्लैक वुमेन नहीं दे सकती थी। तो बैकग्राउंड क्या था, ब्लैक लॉज जो सिविल वार्स के बाद आए थे कि ये प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, और दूसरा नाइट वॉकिंग नहीं है इस तरह के। कू क्लक्स क्लैन जो था ये वाइट रेसिस्ट से जो इनको मारते थे, कत्ल कर देते थे, तो उसने भी बड़ी रिसेंटमेंट क्रिएट की थी। प्लेसी वर्सेस फर्गोसन केस था जिसने सेपरेट बट इक्वल को लीगलाइज कर दिया था, ये उसको भी खत्म करना चाह रहे थे। तो मेजर इवेंट्स क्या हुए, मॉन्टगोमेरी बस इवेंट हुआ जिसके अंदर जो है वो एक वुमेन वाइट ब्लैक वुमेन जो है वाइट की सीट पर बैठ गई, तो उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया। तो इन्होंने फिर बसों का बाइकआउट किया। SCLC जो है 1957 में बनी, साउथर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, तो इसके अंदर मार्टिन लूथर किंग को जो है उन्होंने प्रेसिडेंट मुंतखब किया। स्टूडेंट नॉन वायलेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, ये फूड कॉर्नर के ऊपर जो है उनकी लड़ाई होगी। तो बर्मिंगन कैंपेन जो है ये 1960 के अंदर इन्होंने स्टूडेंट्स ने मार्च किया। वाशिंगटन मार्च जो है, इमेंसिपेशन लॉज जो आए थे 1863 में, ये उसको 100 साल गुजरने के ऊपर ना 1963 में ये मेमोरियल पे इकट्ठे हुए लिंकन के, तो वहाँ पे इसने स्पीच की थी आई हैव अ ड्रीम। सलमा टू मॉन्टगोमेरी मार्च हुआ 1965 में, वोटिंग राइट एक्ट आया 1965 में कि जो नॉन इंग्लिश स्पीकर हैं वो भी वोट दे सकते हैं। तो लूथर को भी किल्ड मार दिया 1968 के अंदर, ये ब्लैक मिलिटेंसी नेशन ऑफ इस्लाम में। तो नेशन ऑफ इस्लाम जो है ये, इसका मैं वैसे थोड़ा सा हिंट दिया है कि नेशन ऑफ इस्लाम जो है ये वायलेंट थी, कि वायलेंट इसका सोल्यूशन वायलेंट है। तो ये जो था ये कहता था नहीं नॉन वायलेंट, ये गांधी के तरीके के ऊपर चल रहा था। तो नेशन ऑफ इस्लाम से ही आगे मेलकम एक्स आएगा, वो हम अलहदा पड़ेंगे। थैंक यू।